हेलो गाइस, अगर आपने अभी तक इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनको आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। और अब एपिसोड 7, ड्यूक एंड डैफनी के बीच में अब तकरार सी है। वो ढंग से एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। डिनर की टेबल पे रात को डैफनी कहती है कि मेरा सामान दूसरे रूम में शिफ्ट करो, और साइमन मना कर देता है कि ऐसा नहीं होगा। तभी वहाँ मिसेस कोल्सन न्यूज़पेपर ला के डैफनी को दिखाती है, और डैफनी वहाँ से जाने के लिए एकदम से खड़ी हो जाती है। साइमन पूछता है कि क्या हुआ। डैफनी कहती है मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली मैटर्स, तो मैं इसमें इंटरेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साइमन कहता है कि हमारे यहाँ कुछ भी हो, बट घर पे हमारे रिश्ते का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और जब तक मुझे पता ना चले कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं, तब तक मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा और पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। घर पे कॉलिन को मरीना से नहीं मिलने दिया जाता, वो मतलब जाने के लिए कहता है, बट एंथनी कह देता है कि अगर तुम उसके पास जाओगे अब तो सबको लगेगा कि तुम ही फादर हो, और उससे पता है तुम्हारी बहनों की ज़िंदगी का क्या होगा। तभी वहाँ डैफनी आ जाती है, और डैफनी आके कहती है कि अब शायद हमारे रिटर्न की ज़्यादा बात हो बजाय इस स्कैंडल की। कॉलिन कहता है कि मुझे अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने दो। रूम में कॉलिन से डैफनी कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हें पहले ही पता चल गया। कॉलिन कहता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तो डैफनी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें मिलवाऊँगी मगर अपनी नज़रों के सामने। फिर दिखाते हैं विल एंड साइमन फाइटिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पे विल उससे कहता है कि इतने गुस्से में तो तुम ड्यूक बनने के टाइम भी नहीं थे, शादी के बाद ऐसा क्या हो गया। साइमन कुछ बताता नहीं है। फिर रात को जब साइमन घर आता है तो डैफनी कहती है कि इतनी रात तक कहाँ थे, किसके साथ थे, मतलब क्या कर रहे थे। साइमन कहता है कि तुम मुझ पर अभी से शक करने लगी, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। डैफनी कहती है कि मुझे पता है कि अब तुम्हें शादी में कुछ नज़र नहीं आता है। और वो दोनों ऐसे करते करते काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, और वही करने लगते हैं जो वो अभी तक कर रहे थे। डैफनी उससे कहती है कि रूम में चले, आगे का काम वही फिनिश करते हैं। साइमन कहता है कि नहीं, अगर तुम्हें प्रेग्नेंट हो तो मैं तुम दोनों का ख्याल रखूँगा, अगर नहीं हो तो हम बस अब नाम के लिए मैरिड रहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मॉर्निंग में मरीना आती है, कॉलिन कहता है कि ये सब बता दो, ये सब कह दो कि जो वेसल डाउन में छपा है वो सब झूठ है। मरीना कहती है वो सब सच है, मैं कोई विलन नहीं हूँ, मैंने बस वही किया जो मुझे अपने बच्चे के लिए ठीक लगा, मैं आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। तो कॉलिन कहता है तो इसलिए तुमने मेरे साथ धोखा किया, जालसाजी की, ये हमारी लास्ट मुलाकात है, अगर तुमने मुझे पहले ही सच बता दिया होता ना तो भी मैं तुमसे शादी कर लेता। फिर सब क्वीन के यहाँ पार्टी में जाते हैं। क्वीन वहाँ डैफनी और साइमन से कहती है कि उम्मीद है इसी साल हमें हेस्टिंग्स का वारिस मिल जाएगा। साइमन कहता है जी ज़रूर। फिर वहाँ ग्रैनविल बेनेडिक्ट से कहता है कि अब तो तुम हमसे मिलने नहीं आते हो, बट बैन उनसे कुछ ज़्यादा बातें नहीं करता और पीछे छुड़ा के वहाँ से भाग जाता है। क्वीन एलोइस से कहती है कि जल्दी पता लगाओ, ये मेरा ऑर्डर है। जैनबरी डैफनी को पार्टी में इनवाइट करती है, तभी वहाँ फेदरिंगटन्स आ जाते हैं। एलोइस पेनिलोपी से कहती है कि हम विसल डाउन को ढूंढेंगे और वो तुम्हारी फैमिली का नाम फिर से अच्छा कर देगी, वो न्यूज़पेपर में तुम्हारी फैमिली का फिर से अच्छा अच्छा छापेगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फेदरिंगटन ब्रिजिटन से कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मेरा यकीन कीजिए, और वो उससे बात कर ही रही होती कि तभी वहाँ से क्वीन की तरफ से उन्हें जाने का ऑर्डर मिल जाता है। डैफनी गार्डन में चली जाती है, वहाँ वायलेट उससे आके पूछती है कि बेटा क्या हुआ, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। डैफनी कहती है अगर आपने मुझे शादी से पहले सब कुछ ढंग से बता दिया होता ना कि शादी में क्या क्या होता है तो शायद मुझे आज इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी हो रही होती। और तभी वहाँ डैनबरी आ जाती है और डैफनी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। डैफनी मरीना से मिलने आती है, वो कहती है कि मुझे जॉर्ज का पूरा नाम बताओ, वो यहाँ पर जनरल आए हुए हैं तो मैं उनसे हेल्प से हम जॉर्ज को ढूंढ सकते हैं, आखिर कब तक तुम इस तरह अकेले सब कुछ संभालोगी, उसको भी तो जिम्मेदारी उठानी है ना। फेदरिंगटन विल से मिलता है और उससे कहता है कि हम तुम्हारा मैच फिक्स करेंगे, और अगर तुम नेक्स्ट मैच हार गए तो मैं जितने पैसे जीतूंगा उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और वो तुम्हारी फैमिली को लाइफ भर के लिए सेट कर देगा। और विल कहता है कि मैं अपना ऑनर इसलिए ख़राब नहीं कर सकता, मैं मैच फिक्सिंग नहीं करूँगा, और फिर वो उसे अपना कार्ड देके वहाँ से चला जाता है। डैफनी डैनबरी की पार्टी में जाती है, वहाँ मैरिड वुमेन्स की पार्टी थी, वह जनरल की वाइफ किटी उसे बता दी है कि जनरल घर में तो कम ही रहते हैं, उन्हें आप लेटर लिखकर पता कर सकती हैं जो भी आप पता करना चाहती हैं। दूसरी तरफ साइमन एंड एंथनी बातें करते करते
एक दूसरे पर भड़क जाते हैं। मतलब वो ये कहता था कि तुम आजकल क्या हो रहा है, तुम और मेरी बहन उखड़े उखड़े से रहते हो, और साइमन कहता है कि तुम्हें तो कुछ जिम्मेदारी उठानी नहीं आती है। इस टाइप से वो दोनों फिर फाइट करने लगते हैं। घर पे डेफनी साइमन का खून वगैरह साफ़ करती है और वो फिर से थोड़े क्लोज आ जाते हैं, वो किस करने लगते हैं। वहाँ पे साइमन डेफनी को बताता है कि मेरे पिता बस हेस्टिंग्स का वारिस चाहते थे, उन्हें और किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं थी, ना उन्हें मेरी माँ की चिंता थी ना उन्हें मेरी चिंता थी। और मरते वक्त मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके वंश को कभी भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा, बच्चे नहीं करूंगा। तो डेफनी कहती है, तो तुम उस इंसान से बदला लेना चाहते हो जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, और अगर तुम्हारी नफ़रत हमारे प्यार से ज़्यादा बड़ी है तो हम कभी खुशी नहीं रह पाएंगे। और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाता है साइमन और डेफनी का रिलेशन अब अच्छा नहीं है, वो एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। एलोइस पेनेलोपी से कहती है कि मरीना वाली बात तो किसी नज़दीकी को पता होगी ना, वही विसल डाउन हो सकती है। तो पेनेलोपी कहती है कि वो तो कोई भी हो सकता है ना, हमारे घर में काफ़ी सारे सर्वेंट आते जाते रहते थे, लोग भी आते जाते रहते थे। तो एलोइस कहती है कि सर्वेंट तो नहीं हो सकती, बट हाँ कोई व्यापारी वगैरह हो सकती है, मतलब कोई भी। उसका मतलब इशारा उधर जा रहा था मैडम डेलाक्रो की तरफ कि अब हमें इन्वेस्टिगेशन दूसरे तरीके से करनी पड़ेगी। डेफनी मरीना को बताती है कि मैंने जनरल को लेटर लिख दिया है। तो मरीना कहती है कि आपने उस पर ड्यूक क्या उस लेटर पर ड्यूक ने भी साइन किया है। तो डेफनी कहती है फ़र्क क्या पड़ता है। तो मरीना कहती है जनरल आपके लेटर को पढ़ेंगे भी नहीं, अगर ड्यूक ने उस पर साइन नहीं किया है अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, सब खत्म हो चुका है। एंथनी कॉलिन से माफ़ी मांगते हुए कहता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस दिखाई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कॉलिन कहता है ओ भाई ये क्या हो गया। पार्टी में ग्रैनविल कहता है कि मैं लॉर्ड विदरबाई से प्यार करता हूँ, सब कुछ बैन को बता रहा होता है कि अगर ये सोसाइटीज़ की बाउंड्रीज़ नहीं होती तो हम दोनों एक साथ रहा करते, मगर हम एक साथ नहीं रह सकते, हम एक दूसरे के सामने स्माइल तक नहीं कर सकते कि कहीं किसी को शक ना हो जाए। इस सब ये बंद दरवाजे के पीछे करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। बेनेडिक्ट एलोइस और क्वीन मिलते हैं। क्वीन कहती है कि मतलब एलोइस क्वीन पूछती है कि क्या क्या तुम्हें पता चला। एलोइस बताती है कि वो किसी के घर का पार्ट नहीं है, वो कोई आम औरत है या कोई व्यापारी है। तो क्वीन कहती है बस इतना ही पता लगा, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैंने पुलिस को जांच के लिए कह दिया है, वो पकड़ी जाएगी और जेल जाएगी। टी से एलोइस और बैन चले जाते हैं। रास्ते में बैन मैडम डेलाक्रो को पिक करता है अपनी गाड़ी में, और वहाँ पे जब वो मैडम डेलाक्रो एलोइस से बातें करती हैं तो एलोइस को फील होता है कि हाँ ये हो सकती है, क्योंकि इसके पास तो सब मेज़रमेंट कराने के लिए आते हैं ना, तो इसे तो आराम से पता हो सकता है, और इसी ने शायद खबर छपवाई होगी। कोई उसके पास वैलिड प्रूफ नहीं था, बट उसे शक हो गया था कि यही है विजल डाउन। आते हैं मरीना कुछ जड़ी बूटियाँ ढूंढ रही थी और वो उन सबको पीस पीस के कुछ एक कप में डाल लेती है और पानी डाल लेती है और पी जाती है। एक म्यूजिकल शो में एंथनी को सियना दिख जाती है, और उधर दिखाते हैं मतलब उधर साइमन और डेफनी भी बैठे हुए थे उसी म्यूजिकल शो में। पेनेलोपी मरीना को बहुत बुरी हालत में पाती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी, वो ऐसी पड़ी हुई थी बेजान से बिल्कुल। और वहाँ पे फेदरिंगटन्स भी आ जाते हैं। उधर दिखाते हैं डेफनी को भी अब पीरियड्स हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा रोती है, और उसकी माँ भी आ जाती है वहाँ वॉयलेट, और वो उसको गले लगा के बहुत रोती रहती है। और वहीं पर एपिसोड ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।